हेलो पीपल, अगर मूड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दैट इज चिरायु मिस्त्री, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @chirayu_m। टेक केयर, स्टे सेफ, एंजॉय द वीडियो। ऑस्ट्रेलिया, हियर वी कम। ऑस्ट्रेलिया, बंबई एयरपोर्ट, ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, मेलबर्न, वो एक ही है, अभी पहुंच गए फाइनली। ऑस्ट्रेलिया, मेरा तो सब फॉरेनर का एक्सेंट सेम ही ऑलमोस्ट। लंदन, डोनाल्ड ट्रंप, गुली गैंग, ठीक स्टार्ट चल। पिछले साल जून में हम गए थे ऑस्ट्रेलिया दूसरी बार। जी हाँ, कितने दिन? पूरे 5 दिन के लिए। पिछली बार तो 15 दिन थे। हाँ, जोक तो हमेशा का है। चलो इस बार कुछ शेयर करता हूँ। सच बोलूँ तो इस बार मैं कुछ खास एक्साइटेड नहीं था, और मैं यूजुअली होता भी नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम नॉट हैप्पी, ये मेरा नेचर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे आसपास मैयत का रेडियस है। थोड़ी बहुत बकचोदी तो हम लोग हमेशा करते हैं। छोटा पंचर होएगा। पंचर ऐसे तो एन लक्ष्मी टायर्स पर मूवीज। वडोदरा मां लक्ष्मी टायर्स, मांजलपुर एरिया, 9426388891। लक्ष्मी टायर्स, तुम्हारे टायर ना दरेक सॉल्यूशन वाले। लक्ष्मी टायर्स, तुम्हारा गैस बंच है। लक्ष्मी टायर्स, क्या लक्ष्मी। 17 घंटे सरप्राइजिंगली इकोनॉमी में कंफर्टेबली ट्रैवल करने के बाद हम लोग मेलबर्न पहुंचे। उधर भी डीमार्ट जैसा एक शॉपिंग सेंटर था, पर बहुत ज्यादा बड़ा था। सर्कमसाइज्ड बनानास। पिछली बार तो मेलबर्न में घूमने का टाइम भी था यार, पर इस बार तो हम सिर्फ एक ही दिन के मेहमान थे, वो भी थके हुए, इसलिए ज्यादातर तो अपार्टमेंट की खिड़की वाली मेमोरीज ही, जैसे ये डिक्की में ट्रैवल करता हुआ कुत्ता और ये रास्ता क्रॉस करती हुई अंधी बा, शायद अंधी नहीं है। तो दोपहर तक तो हम लोग सोए और फिर शाम को हम लोग रेडी होके निकले शो करने। A man has no face. नेक्स्ट सुबह हम निकले सिडनी जाने के लिए। एयरपोर्ट के रास्ते में तपंदा, जो हमारे मेलबर्न के ऑर्गेनाइजर है, उनकी कारपेट की शॉप आती है, तो वो भी विजिट कर ली। मिस्त्री भाई, लकड़ा छेद तो तुम्हें कामे लागो। लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमें क्या पता चलता है? So guys, our flight is delayed by 3 hours and our show is in 5 hours and we need 90 minutes to sound check. No God! और ऊपर से ये 3 तो पूरी रात नहीं सोए थे। अब फ्लाइट 4 घंटे डिलेड है, मेलबोर्न का इतना बड़ा एयरपोर्ट है, तो 4 क्रिएटिव लोग एयरपोर्ट पे टाइम को कैसे यूटिलाइज करेंगे? अरे हमारी बैग, ये दैट्स माय बैग, दैट ब्लू बैग इज माइन एंड दैट गिटार इज अलग है। 1.5 घंटा हवा में उड़ने के बाद हम लोग सिडनी की जमीन पे उतरे, जहाँ पे हमें रिसीव करने आए अवर नेशनल प्रमोटर चिराग परिक, AKA चाली भाई। चिराग परिक, we are excited to have them over. Yeah, and we are excited to have us over. सिडनी, आई वॉज वेरी हैप्पी कि हमारे पास यहाँ पे टाइम, क्योंकि ये शहर को अच्छे से देखने में टाइम तो लगेगा, पर फिलहाल शो का टाइम हो रहा है। So we are ready for tonight's show in Sydney. We are high on no sleep. ये आदमी अधूरी नींद की वजह से स्टेज पे ब्लैंक हो गया था। ब्लैंक हुआ तो ये रुक गया और ऑडियंस को लगा कि ये स्क्रिप्टेड पॉज, तो उन्होंने चीयर कर दिया। शो के बाद डिनर करने गए तो पता चला कि रेस्टोरेंट के मालिक का बर्थडे था, इसलिए उसने रेस्टोरेंट जल्दी बंद कर दिया और बार उससे भी जल्दी। Happy birthday, happy birthday, happy birthday,
I'm sorry guys, bar is closed. Happy birthday. अभी शोज तो खत्म हो गए और नेक्स्ट डे कुछ प्लान था नहीं, तो मैंने और आरिज ने सोचा कि चलते चलते पैरामेटा एरिया डिस्कवर करते आसपास। और क्या बढ़िया डिसीजन लिया यार। आई थिंक यहाँ के लोगों के लिए ये स्ट्रीट्स नॉर्मल होंगे, बट मैंने तो आज तक ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही देखा है यार। आ असली फॉरेन छे मारा माटे, अजे कई पण मने अत्यारे देखाय छे। ऐसी फीलिंग लास्ट मुझे न्यूयॉर्क में आई थी एक साल पहले। आई एम ग्लैड दैट वी टुक अ वॉक दैट डे। खैर दिन में तो मजा आया, पर अभी तो रात जवां है, और जवां रातों के डिनर में क्या खाना चाहिए? अंडिस्तान मेरी जान। सो देयर इज दिस स्ट्रीट कॉल्ड विक्रम स्ट्रीट इन सिडनी, जहाँ पे बहुत ही सारे इंडियन रेस्टोरेंट है, मतलब खचाखच भरे हुए हैं, एंड अमेजिंग खाना है भाई। इतना मस्त लगा ना अंडा खाके, है राजपाल? अरे ऐसा लगा जैसे चिड़िया कान सुड़ गई हो। अब पेट भर गया है, नींद नहीं आ रही, मजे करने हैं, तो कहाँ जाएंगे? कैसीनो। लकीली मैच भी चल रहा था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। मैच जीत गए लेकिन वर्ल्ड कप हार गए। स्पॉइलर अलर्ट। ओके अभी मैं तुम लोगों को अपनी एक बहुत ही सीक्रेट टेक्निक बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। कैसीनो में अगर जीतना हो तो संभाल के रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह आँख और कान दोनों है। इसलिए फर्स्ट स्टेप डिस्ट्रैक्शन के लिए मैच देखना। In the commentary box with Navjot Singh Sidhu and Harsha Bogle. उसके बाद second step, जब तुम्हें लगे कि तुम पर से नजरें हट चुकी है, तब अपना लक आजमाना और जीतना। And finally the most important and inevitable step, जीतने की लालच की वजह से और भी ज्यादा पैसा डाल के अपने ही लक को चोट देना। Somebody should have warned me यार, है राजपाल? Casino. अभी इतना सारा पैसा हारने के बाद एक आदमी अपना दुख भुलाने कहाँ जा सकता है? अभी देखो मुझे पता है कि जू में जानवरों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन में हमें कैसा फील हो रहा है, तो जानवरों को कैसा फील होता है, ये सब पता है मुझे। लेकिन मुझे अभी अच्छा लगता है जू, तो मैं जाता हूँ। अभी नरक में जाऊँगा और क्या। तो हम लोग गए तरोंगा जू, और उधर एनिमल्स की बहुत ही अच्छे से केयर की जाती है। देखो तरोंगा जू में अगर आप मैप लेके नहीं चलते हो तो आई एम श्योर कि आपसे कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। अब यार जू घुमाने के लिए तो क्या वॉइस ओवर डालूं मैं, जानवर और पंछी होते हैं अलग अलग एरियाज में, और क्या। जू देखते देखते शाम हो गई और हमें पानी के उस पार जाना था। अभी मेरा तैरने का मूड नहीं था और मुझे आता भी नहीं है, इसलिए वी टुक अ फेरी। अपने वहां तो पानी में भी हॉर्न बजाते होंगे, पर इधर एकदम शांति, पानी की लहरें और ठंडे हवा। वी वर हेडिंग टू इस टूर का आखिरी अट्रैक्शन विविड सिडनी। ये एक लाइट म्यूजिक एंड आइडिया फेस्टिवल है जो हर साल होता है। पहले तो मुझे लगा कि इधर कोई मेले जैसा सेलिब्रेशन होगा, कोई पेट्रोल पी के मुंह से आग निकालेगा, कुछ रिंग डाल के साबुन जीतेंगे, बट एज द नेम सजेस्ट इधर लाइट है, म्यूजिक है और आइडिएशन है। जैसे ये क्या बजा रहे हैं भाई लोग, जरा इनको दिखाओ कि असली म्यूजिक कैसे बजाते हैं। ऑलराइटी देयर, लास्ट डे इन ऑस्ट्रेलिया और कुछ 5-6 घंटे स्पेंड करने को, तो सोचा कि लंच खत्म करके थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। अब आई एम नॉट अ शॉपिंग गाय, पर हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है। खैर ऑस्ट्रेलिया टूर खत्म हुआ। याद है वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मैं इतना एक्साइटेड नहीं होता हूँ। अब लोगों के पर्सपेक्टिव से तो मैं हमेशा डल ही लगूंगा, और मैं उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखता कि वो लोग मेरा नेचर समझे, क्योंकि वो उनका काम नहीं है। बट यस, मैं खुश और एक्साइटेड दोनों होता हूँ, एंड आई एम मोस्ट एक्साइटेड व्हेन आई एम ऑन स्टेज डूइंग कॉमेडी। स्टैंड अप ने मुझे लाइफ में बहुत कुछ दिया है और काफ़ी कुछ सिखाया भी है, एंड दैट्स व्हाई मेरे लिए मेरा प्रोफेशन दुनिया का बेस्ट प्रोफेशन है।